चिल्ड्रन, आज हम फिर से फ्रैक्शंस को ऐड करना सीखेंगे, और वो वाली फ्रैक्शन जिसमें नीचे वाला नंबर जो है वो डिफरेंट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 जो ये है, ये फर्स्ट वाला ये दिया है, इसमें दिया है 1/4 प्लस 1/3, तो इसको हमें ऐड करना है इसको। ठीक है, तो हम सबसे पहले ये देखते हैं कि नीचे का नंबर सेम है या अलग अलग है। तो यहाँ पर अलग अलग है, एक में 4 है एक में 3 है। तो ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए है, जो नीचे नंबर दिए होते हैं, इधर 4 दिया है और 3 दिया है, इनका हमें LCM फाइंड करना है। ठीक है, अब LCM फाइंड करने के लिए यहाँ पर जो LCM है वो हमने यहाँ पर इसका, वैसे तो LCM इसका 12 आ रहा है ना, LCM निकालना आप जानते ही हैं, पहले सिखाया है आपको। तो LCM इसका 12 आ गया। जब LCM 12 आ जाता है तो नेक्स्ट लाइन में जैसे कि यहाँ दिया है, LCM को नीचे लिखते हैं, इक्वल टू का साइन लगाना मत भूलिएगा, ये वाला इक्वल टू, फिर एक हॉरिजॉन्टल लाइन इस तरह से खींचनी है जैसे कि मैंने खींची हुई है, नीचे 12 आ जाएगा। अब ये देखना है पहले वाले के नीचे 4 है, तो उस 4 से 12 कैसे आ रहा है, तो 4 3 12 होते हैं, 4 3 12, तो ऊपर में जो नंबर होगा उसको भी 3 जा करना होता है, यानी 1 की मल्टीप्लाई 3 के साथ हो रही है। ठीक है ना, ये आप देख रहे हैं ऊपर में 1 की मल्टीप्लाई 3 के साथ हो रही है, तो ये हमें ध्यान रखना है, ये 1 को भी 3 से हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया, ये यहाँ पर देख रहे हैं आप। अब उसी तरह से जो दूसरे के नीचे 3 है उससे देखना है कि 12 कैसे आता है, जो LCM है वो किस तरह से आ रहा है। तो जब 3 का हम टेबल करेंगे तो 3 4 12 होता है, यानी 3 से 12 आता है 4 जा करके, तो यानी 4 जा ही ऊपर वाले नंबर के साथ करना है, 1 के साथ, तो हमने आप देख रहे हैं यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई इसलिए कर दिया। तो नेक्स्ट लाइन में जो नेक्स्ट लाइन है ये, इसमें हमें फिर से इक्वल टू का साइन लगाना है, ये लगा दिया हमने यहाँ पर, फिर लाइन खींची, नीचे वाला नंबर 12 एज इट इज़, ऊपर तो 3 की 1 से मल्टीप्लाई, 3 1 3 यहाँ पर आ गया, और दूसरे वाले में 4 1 4 ये हो गया। अब 3 और 4 के बीच में प्लस का साइन है, यानी इनको दोनों को प्लस करना है, 3 4 होता है 7, ये 7 आ गया, और नीचे का नंबर है देखिए 7/12, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, अब एक एग्जांपल और लेते हैं हम, एग्जांपल नंबर 2, इसको देखिए आप। अब इसमें क्या कह रहा है कि 2/7 प्लस 3/4 है ना, या 3/4, तो इसमें भी नीचे के नंबर जो हैं वो एक में 7 है और एक में 4 है, अलग अलग हैं। तो जब अलग होते हैं तो हमें फिर से ही LCM लेना पड़ेगा, तो 7 और 4 का LCM आता है 28, ये आपको निकालना आता है ना, 28 LCM आ गया। जब LCM हमें पता चल गया तो नेक्स्ट लाइन में हमको इक्वल टू का साइन लगाना है, ये हमने लगाया, एक लाइन खींचनी थी और नीचे LCM लिखना है 28। फिर फर्स्ट फ्रैक्शन के नीचे देखना है क्या है, 7। अब उस 7 से 28 किस तरह से आता है ये हमें फाइंड करना है, तो 7 का टेबल करना शुरू कर दो, तो 7 4 जा होते हैं 28, इसी वजह से ऊपर भी हमने 4 जा ही किया जो नंबर है, तो ऊपर है 2 2 × 4 यानी 4 जा हो गया। अब दूसरी के नीचे देखना है, उसके नीचे है 4, अब उस 4 से देखना है 28 कैसे आता है, LCM कैसे आता है, तो 4 7 जा 28 होता है, तो इसी वजह से 3 को हमने 7 जा किया, यानी 3 की 7 से मल्टीप्लाई की। ठीक है, और मल्टीप्लाई करना अब आपको आता ही है, 2 4 जा 8 यहाँ पर आ गया ये, और 7 3 जा 21 ये यहाँ पर आ गया, नीचे का नंबर है एज इट इज़। अब 8 + 21 होता है 29, ये आ गया यहाँ पर 29, और ये नीचे का एज इट इज़ 28। अब आप देख रहे हैं बच्चों, 29 ऊपर है 28 नीचे है, अब ऊपर का नंबर जब नीचे वाले से बड़ा हो जाता है तो उसको हम डिवाइड कर लिखते हैं, डिवाइड करके, ठीक है ना, इस तरह से मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, ये डिवाइड करके। और ये कैसे आया, जो ऊपर वाला होता है वो तो बीच में रहता है, नीचे वाला होता है बाहर, इस तरह से डिवाइड करते हैं, और डिवाइड करना आपको आता ही है, 28 1 जा 28, इसको माइनस कर देंगे 1 बचेगा। अब जो ये रिमाइंडर बचता है ये ऊपर आता है, रिमाइंडर हमेशा ऊपर आता है और नीचे वाला एज इट इज़ रहता है, तो कन्फ्यूजन की वाली कोई बात नहीं है इसमें, 28 तो नीचे हो, नीचे ही रह गया, जो रिमाइंडर है ये ऊपर आ गया यहाँ पर 1, और ये भी 1 ही है, तो इस वजह से ये सामने आ गया।
ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं 1 and 1/28 आंसर, ये इसका यहाँ पर आंसर हो गया, ये वाला, ये इसका आंसर हुआ है। अब एक एग्जांपल और देख रहे हैं हम, एग्जांपल नंबर थ्री इसको देखिए बच्चों, इसमें क्या दिया हुआ है आपको, मिक्स्ड फ्रैक्शन दिए हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन, ठीक है ना, मिक्स्ड फ्रैक्शन दिए हैं। अब ये मिक्स फ्रैक्शन में इधर तो है 1 and 1/2 प्लस 2 and 2/3, तो जब भी मिक्स फ्रैक्शन दी होती है सबसे पहले इसको हम सिंपल में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है ना, मल्टीप्लाई करके। तो जो सामने लिखा रहता है, सामने 1 लिखा है यहाँ पर, ये सामने 1 है और नीचे है 2, तो इस 2 की मल्टीप्लाई सामने वाले के साथ होती है, तो 1 की मल्टीप्लाई 2 के साथ होगी, यानी इस नीचे वाले की मल्टीप्लाई सामने वाले के साथ, तो 2 1 जा 2, और ये ऊपर वाला जो होता है वो उसमें प्लस होता है, यानी 2 1 जा तो 2 आ गया, और जो ऊपर वाला होता है वो उसमें प्लस होता है, ऊपर है 1, तो 2 + 1 = 3, तो 3 बन गया ये। तो जब 3 बन गया तो ऊपर तो आ जाएगा ये 3 जो आपका बना, ऊपर तो आ गया 3, और नीचे का एज इट इज़ रहेगा 2, तो ये 1 and 1/2 हो गए 3/2। अब इसी तरह से जो आगे वाली फ्रैक्शन है 2 and 2/3, इसकी मल्टीप्लाई सामने वाले के साथ होगी नीचे की, तो नीचे है 3, तो 3 2 जा 6, और ऊपर वाला ऐड होगा 6 + 2 8 8, तो ये बन गया 8/3, यहाँ पर ये बन गया 8/3, और ये होगा 3/2। इनको प्लस करना भी उसी तरह का बन गया जैसे हमने एग्जांपल नंबर 1 में किया और 2 में किया, ठीक है ना, उसी तरह से क्वेश्चन बन गया। अब उसमें क्या करते हैं, नीचे वाले नंबर देखने, 2 और 3 है, उनका एलसीएम फाइंड करेंगे, एलसीएम आ गया 6, 6 नीचे है ना। अब पहले के नीचे 2 है, यहाँ के नीचे 2 है, इस 2 से 6 कैसे आता है, 3 जा करके, तो ऊपर वाले के साथ 3 जा हो गया, यानी 3 3 जा हो गया। ये 3 है, इसे 6 कैसे आता है, दूसरे के नीचे 3 है ना, तो उससे एलसीएम कैसे बनेगा, 3 2 जा 6, 2 जा करके, तो इसलिए 8 को भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब 3 3 जा 9 यहाँ पर आ गया, 8 2 जा 16 यहाँ पर आ गया, नीचे वाला है जब चलता रहेगा, और 9 + 16 होते हैं 25 25/6। अब मैंने आपको बताया अभी कि ऊपर अगर बड़ा नंबर हो नीचे छोटा हो तो डिवाइड करके लिखते हैं, हाँ अगर पहले कट सकते हैं तो काट सकते हैं, लेकिन इस 25 और 6 में कोई नंबर कॉमन नहीं है, ये नहीं कटेंगे, तो 25 को 6 से डिवाइड करना है, 6 4 जा 28, 24 होते हैं, 6 4 जा 24, माइनस करेंगे 1 आ गया, तो ये 1 रिमाइंडर है, ठीक है ना, तो जब 1 रिमाइंडर होता है वो ऊपर आता है, तो ये 1 ऊपर आ गया रिमाइंडर, नीचे वाला 6 है वो नीचे ही रहेगा, तो ये जो 4 बचा ये सामने आ जाएगा बस, तो ये आ गया 4 and 1/6, ये इसका आंसर हो गया, ठीक है बच्चों, ये आंसर हो गया। अब आपको इसमें मुझे लगता है कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तो ये बाकी क्वेश्चन नंबर 4 और 5 ये आपको खुद करना है अपनी नोटबुक में। थैंक यू चिल्ड्रन।